अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे मेथी के पराठे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक बॉल लिया है, उसमें 2 कप आटा लिया है, उसमें डालेंगे वेजिटेबल ऑयल, अजवाइन 1 चम्मच, चॉप चिली 2, मेथी का साग जो हमने धो करके पहले से काट के रखा था, और इसे अच्छे तरीके से हम आटे में मिला लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसे पानी के साथ अच्छे तरीके से गूंथ लेना है। दोस्तों यहाँ पे मैं कलौंजी डालना भूल गया था, जिसे मैंने बाद में डाला है, या मैं बाद में कलौंजी डाल रहा हूँ इसमें। हमने आटे को यहाँ अच्छी तरीके से गूंथ लिया है। ये देखिए हमारा आटा कितना स्पॉन्जी बना है। और इसके बाद हम गोल गोल लोया बना लेंगे इसका। ये देखिए सारे लोए हमारे बन चुके हैं, अब इसे हम बेलना स्टार्ट करेंगे। मैंने थोड़ा सा आटा लिया है बेलने के लिए, और इसे हम हल्के हाथों से बेचें हम बेलेंगे रोटी की तरह। हमारी रोटी ये देखिए चिपक रही है, तो हम थोड़ा सा आटा लेंगे ताकि हमारी रोटी चिपके ना। इसे वैसे ही बेलना है जिसे हम रोटी बेलते हैं। हमारी रोटी तैयार हो चुकी है। हम एक पैन लेंगे, और पैन गर्म हो चुकी है तो हम इसमें रोटी डाल देंगे। हम बीच बीच में से घुमाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए एक साइड से। इसे हमें मीडियम फ्लेम में पकाना है, और इसे एक एक साइड से थोड़ी पक चुकी है तो हम इसे पलट देंगे, और हम डालेंगे ऑयल। आपको जो भी पसंद हो, ऑयल, घी या बटर आप यूज़ कर सकते हैं। हम घुमाएंगे ताकि ये तेल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और ऊपर से हम थोड़ी सी ऑयल डालेंगे। और इसे हम इसके बाद पलट देंगे, क्योंकि एक साइड से हमारी पक चुकी है। और ये दूसरे साइड से भी पलट देंगे ताकि थोड़े और अच्छे से पक जाए। पक चुकी है, अब दूसरे में रख देंगे। फिर हमने दूसरी रोटी लेनी है, और फिर उसी तरह से हमें पकानी है। मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया ताकि आप बोर ना हो। और इसे हम चिकन सब्ज़ी के साथ खा सकते हैं। आपको जो भी पसंद हो उसके साथ आप खाइए, ये खाने में अच्छी होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।